नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मोहिनी एकादशी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस दिन व्रत भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की आराधना के लिए रखा जाता है। इस और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के दुख कष्ट से मुक्ति मिलती है और जो व्रत रखता है वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, समाज में लोकप्रिय होता है और उसका व्यक्तित्व बढ़ता है, उसका प्रभुत्व बढ़ता है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से आराधना करने का विधान है, जागरण करने का विधान है। तो आइए जानते हैं पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करें। सबसे पहले तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर यानी चौखट में और मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर पूरे घर की सफाई करें। आम के पत्तों का बंधनवार या तोरण जिसे कहते हैं, या अशोक के पत्तों का जरूर लगाएं और फिर इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी से एक स्वस्तिक बनाएं जो आपके जीवन में चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करेगा। इसके बाद जब आप घर की सफाई करवाइए तो नमक मिले हुए पानी से या फिर फिटकरी मिले हुए पानी से ही सफाई करवाइए, पोछा लगवाइए तो बढ़िया रहेगा। फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ घर से निकलेंगे जब आप अपने, तो अंदर की ओर, याद रखिए घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ दाहिनी ओर, आपके हाथ से दाहिनी तरफ जब आप घर से बाहर निकलेंगे, एक पात्र में जल रख दें। किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, संभव हो तो थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रख दें। ये भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए होगा और आपके लिए सुरक्षा कवच भी देगा। अगले दिन इसको किसी पौधे में डाल दीजिएगा। अब अगर पुष्प ना हो तो प्लेन वाटर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो ये आप पात्र में जल पुष्प रखेंगे उसके नीचे एक स्वस्तिक बना लीजिएगा। आप चाहें तो फूलों की पंखुड़ी से भी बना सकते हैं या फिर अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं, पीला, गुलाबी, लाल, जो भी आपके पास है उसी से बना लें। उसके ऊपर ये पात्र में जल और फूलों की पंखुड़ी रखना है। अगर फूलों की पंखुड़ी नहीं है तो सिर्फ जल रखें। अब देखिए, इसके बाद आप स्नान वगैरह कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर के पूजा स्थान पर आप बैठ जाइए। पीले रंग के कपड़े बिछाकर भगवान श्री हरि की तस्वीर मूर्ति स्थापित करें या पहले से स्थापित है तो वहीं पर आप उनके मोहिनी स्वरूप की पूजा करें। अब पूजा में आपको चाहिए होगा पीले पुष्प, पीले फल, पंचामृत, तुलसी, धूप, दीप, गंध, अक्षत, चंदन, रौली। और यहाँ पर देखिए, मोहिनी एकादशी व्रत में आप इस दिन व्रत का कथा जरूर सुनिएगा। इसके बाद आरती गिरना है और फिर आपने जो भोग लगाया है प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटिए और मन में द्वेष ना रखें, गलत बात ना बोलें और सत्य वचन ना बोलें। देखिए, मोहिनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो है 22 मई की सुबह 9:15 से ही शुरू हो रहा है एकादशी और 23 मई को सुबह 6:42 पर समाप्त होगा। तो अर्धव्यापिनी तिथि 23 मई को है, इसीलिए 23 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। लेकिन पारण कब करेंगे, क्योंकि पारण तो आपको द्वादशी तिथि में ही करना है, तो पारण का शुभ मुहूर्त है 24 मई की सुबह 5:26 से सुबह 8:10, यानी इस बीच ही आपको पारण कर लेना है अगर आप व्रत रखते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। इस दिन चावल के विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। क्या करेंगे, देखिए भगवान श्री हरि को चावल तो नहीं अर्पित किए जाएंगे लेकिन माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाएंगे। लाल कपड़े पर थोड़ा सा अक्षत आप रखकर उसके ऊपर आप थोड़ी सी, आपके पास कौड़ी है तो रख लें, नहीं है तो एक सिक्का रख लें। अब इस कपड़े को आप भगवान श्री हरि नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। लाल मौली धागा से इसको बांध के रख दें। अब ये पोटली की तरह हो गया और इसको पूजा उपासना करें और बाद में पूजा स्थान पर ही कहीं पर रहने दीजिएगा। अगले एकादशी के दिन इस जो चावल है इसको किसी तालाब में डाल दीजिएगा या किसी पंछी के लिए डाल दें और जो सिक्का है उसको प्रयोग फिर से कर लें। इससे क्या होगा, धन स्थिर रहेगा और जीवन में धन की कमी नहीं होगी।
अगर हम हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत उपवास के नियम हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम व्रत है एकादशी का, जो कि महीने में दो बार आता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। चूंकि बैसाख मास की एकादशी का विशेष महत्व है, इसलिए दोनों ही एकादशी करने का विधान है। इससे मन और तन दोनों ही संतुलित रहता है, गंभीर रोगों से रक्षा होती है, नाम यश फैलता है। तो एकादशी का जो मोहिनी एकादशी है, इसका व्रत रखने से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तो मोहिनी एकादशी नाम है। भावनाओं और मोह यही दो व्यक्ति के जीवन का दुख का कारण है। और मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखें, वैशाख मास की इस एकादशी का चूंकि विशेष महत्व है, और इस दिन भगवान श्री हरि के राम स्वरूप की भी आराधना आप कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जीवन के कष्ट कम होंगे। मोहिनी एकादशी वरदान व्यक्ति की चिंताएं, मोह माया का प्रभाव को कम करता है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है, पाप कम हो जाते हैं, मन शुद्ध रहता है, व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है। और अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो गोदान, सहस्त्र गोदान के इतना पुण्य फल भी मिलता है। चूंकि भगवान श्री हरि और उनके अवतारों की पूजा इस दिन होती है, इसीलिए आप उनको पीले पुष्प अर्पित करें। लेकिन इस दिन चूंकि हमने टॉपिक रखा है स्वस्तिक का, तो घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक तो आप बनाएंगे ही। इसके साथ ही अगर आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं तो नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। और अपने घर के पूजा स्थान पर आप जो आरती की थाली होगी उसमें सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर उसी के ऊपर थोड़े से पुष्प डालकर दीपक रखकर आरती करें तो जीवन के कष्ट कम होते हैं और आपका व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी के सामने शाम के वक्त घी का दीपक जलाने का भी विधान है। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर जीवन में एक बड़ा कष्ट हो, कोई विशेष मनोकामना पूर्ति करवाना हो भगवान से, तब एक छोटा सा काम करें, सिंदूर और घी मिक्स करके पास के किसी भी मंदिर में जाएं, मंदिर की दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। याद रखिए, उल्टा स्वस्तिक। जब मन्नत पूरी हो जाए, मन्नत आपको जरूर कहनी है, जब मन्नत पूरी हो जाए, जो भी आपकी मन्नत हो, तब उसी मंदिर में जाइए और सीधा स्वस्तिक बना दें, आपकी मन्नत पूरी होगी, कष्टों से आपको श्री हरि निकालेंगे। और इस दिन व्रत करते हैं तो कुछ नियम का पालन करें, जैसे कि आप जमीन पर सोना चाहिए। अब चूंकि बारिश का मौसम आ चुका है, भले ही गर्मी का मौसम, लेकिन अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो ऐसे में जमीन पर आप जब सोएंगे तो लो फ्लोर के बेड पर सोइए। निर्जल व्रत रख सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो अति उत्तम। और तुलसी के पास शाम के वक्त गाय के घी का एक दिया जरूर जलाइएगा, ये आपके जीवन के कष्ट को कम करेगा। रात में सोने के पहले 11 से 1 के बीच एक दीपक घी का जलाकर श्री हरि के पास, आपके घर में जो तस्वीर है, जो पूजा स्थान है, वहाँ पर रख दें, तो ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। और अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो, उलझने हो, तब एक मिट्टी के पात्र में एक सिक्का, थोड़ा सा धनिया रखें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें। मोहिनी एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी जब आप पारण करेंगे तो सिक्का उठाकर रख लें और धनियों को किसी अपने घर के गमले में डाल दें, उसका पौधा हो जाएगा, जीवन के कष्ट कम होंगे, लक्ष्मी आएगी, धन बरसेगा। चूँकि इस दिन मोहिनी एकादशी के, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, मोहिनी स्वरूप की आराधना करने का विधान है और इस दिन आपको कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से। इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता, भगवत गीता में कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को अपना ही रूप बताया है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, और इसीलिए एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे नारायण भगवान की विशेष कृपा मिलती है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जप करके आपको 7 बार परिक्रमा करें तो कर्जों से छुटकारा मिल जाता है। याद रखिए, 7 बार परिक्रमा करना है। और घर में अगर चाहते हैं सुख शांति समृद्धि आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें तो घर में सुख शांति आती है, रहती है और खुशियाँ बनी रहती है। किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो तो भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का पाठ करें तो हर तरह के दुखों का नाश होता है।
जीवन में खुशियाँ आती है और कोई भी कष्ट आपको छू भी नहीं सकता। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।